परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 642वें जयंती के अवसर पर मंगलवार को प्राचीन संत रविदास मंदिर अलवापुर से 73वां वार्षिक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। संत रविदास जयंती के अवसर पर जिला रविदास महासभा ने शोभा यात्रा के माध्यम से झांकियां निकालीं। जिला रविदास महासभा के अध्यक्ष विश्वनाथ ने कहा कि संत जी हमारे पूज्य हैं, इनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों बुराइयों का विषम परिस्थितियों में विरोध किया और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश किया। शोभा यात्रा में जिला रविदास महासभा के संरक्षक सोमई, उपाध्यक्ष हरीशचंद्र, अमित कुमार, महामंत्री सूरज कुमार भारती, दयानंद भारती, संदीप कुमार, लाल बिहारी, ब्रिज मोहन सहित भारी संख्या में संत रविदास की अगुवाई में शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला रविदास महासभा के अध्यक्ष विश्वनाथ ने कहा, विश्वनाथ इकट्ठे होकर के यहीं से भी विभिन्न मोहल्लों से होते हुए यहाँ से जैसे दुर्गाबाड़ी और उसके बाद चरणलाल चौक, अलीनगर, बक्सीपुर, घंटाघर, लाल डेगी, घासी कटर, जाफरा बाजार होती हुई फिर वापस यहाँ आ जाएंगी। उसके बाद फिर यहाँ सभा के रूप में विसर्जित हो जाएगा। सभा जो उत्साह है यहाँ के लोगों में किस तरह का? बहुत ज़्यादा उत्साह है। हमारे जो है पूज्य हमारे जो है ये संत जी हैं और इनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। इन्होंने जो है
ये जितने भी जो है सामाजिक कुरीतियाँ बुराइयाँ जो रही हैं उस समय की विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने इसका जो है बहुत ही विरोध करते हुए भी समाज को एक नया दिशा देने की कोशिश की। और हमारे ये पूज्य संत पुरुष हैं, इसलिए सभी लोगों के अंदर बहुत ही जोश और खरोश के साथ उत्साह के साथ इसे मनाया हर साल मनाया जाता है। इस साल बहुत ही जो खुशी के साथ मना रहे हैं जो है। कितने वर्षों से आप मना रहे हैं? ये 72वां साल हो रहा है, चल मनाते हैं 72वां साल।